6 महीने का है, 6 महीने का। सर इसमें सीटें कितनी है? ऐसा कोई सीट नहीं है, लेकिन अभी टेंटेटिव के बाद यदि और युवा इंक्लाइन होंगे तो फिर अतिरिक्त लक्ष्य मान के फिर हम लोग उसके काम करेंगे। को भी है, हर कोर्स की अपनी क्वालिफिकेशन होगी। 800 प्रकार के कोर्स हैं, ऐसे कोर्स जिसमें केवल 12वीं पास, ऐसे कोर्स जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण चाहिए तो उसमें आईटीआई वाला लगेगा, किसी में डिप्लोमा चाहिए तो उसमें डिप्लोमा। हर कोर्स की जैसा आप लोगों को विदित है कि जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है, तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेके 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है वहाँ लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होके योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे भी इसको जारी रखें। सर लगभग कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मुख्य कार्यक्रम में लगभग 15,000 से 20,000 लोगों का स्थान रहेगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हो, अभी उसकी कुल संख्या बताना अभी कठिन है। लाडली उसके लिए अलग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के लगभग 500 से 600 स्थान पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से प्रसारित कर देंगे। उन स्थानों पे संपर्क करके वो पहले प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे, वहाँ जो लोग अच्छा योग प्रदर्शन कर रहे होंगे उनमें से चयन करके फिर हम लोग मुख्य कार्यक्रम में उनको लेके आएंगे। बहना योजना में हमारे यहाँ लगभग 3,81,000 महिलाएँ हैं और अब इस योजना में उनको राशि मिलने का समय आ गया है। तो 10 तारीख को 10 जून को स्टेट लेवल का कार्यक्रम भी जबलपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का समय संध्या की तरफ होगा, क्योंकि मौसम अभी दिन के समय गर्मी ज़्यादा रहती है तो ये निर्णय शासन स्तर से लिया गया कि शाम की तरफ ये कार्यक्रम किया जाएगा और लगभग 5 बजे से लेके 8 बजे के मध्य ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा गणमान्य अतिथिगण भी रहेंगे और प्रयास ये हो रहा है कि कुछ प्रख्यात कलाकार भी आके उसमें अपने हर्षोल्लास आदि की प्रस्तुति करें। सर सीखो कमाओ है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है, एक रोजगार परक योजना है। इसमें 18 वर्ष से लेके 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड देने की योजना है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको रोजगार से जोड़ने की ये योजना है। स्टाइपेंड जो है वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक रहेगी और लगभग 800 प्रकार के ट्रेड में इसमें प्रशिक्षण लोग ले पाएंगे। हमारे ज़िले में लगभग 200 कंपनीज जो है इसके लिए इंक्लाइनेशन शो कर चुकी है। 7 तारीख से उनका पंजीयन शुरू होगा और उसके तारतम्य में फिर 15 तारीख से प्रशिक्षणार्थी अपना पंजीयन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे।